कहते हैं मोह की कैसी महिमा है, जो अपने जीवन में सबसे अधिक सुख जहां प्राप्त करना चाहती है वो उससे अपने को अपने आप वंचित कर लेती। संभवतः किसी पूर्व प्रवचन में निश्चित रूप से कहा होगा कि किसी मछली को पानी में देखकर किसी बड़े आदमी को बड़ी दया आई और वो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को थोड़ा हाई करने की इच्छा करने लगा, जीवन के स्तर को उच्च करने का विचार करने लगा और उसने मछली से कहा, पानी में रहते रहते तो बहुत दिन हो गए, चलो मैं तुमको दुग्ध में रखूंगा। और वो निकाल के ले आया और दुग्ध में रख दिया। मछली बड़ी चटपटाई, उसने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु उसको देनी चाहिए। तो उसने दधी में रख दिया, वहां तो मरणासन्न होने लगी। उसने कहा नहीं, देवताओं को जो भी चढ़ता है वो इसको उसमें रखो, इसलिए उसने घी में रख दिया। वो तो बिल्कुल लगा कि अब प्राण जाएंगे, उसमें से निकाला तो मधु में रख दिया। अब तो बिल्कुल लगा कि अंतिम सांस आने वाली है। इतने में कोई इसका मित्र आ गया, उसने कहा क्या कर रहे हो? बोले इसका जीवन स्तर ऊंचा कर रहे हो, पानी में रहते तो इसको सदियां हो गई, अब इसको घी में, दूध में, दही में, मधु में। उसने कहा यदि इसको जीवित रखना चाहते हो ना तो इतनी कृपा करो कि इसको फिर पानी के सरोवर में ही छोड़े आओ, तभी इसको जीवन मिलेगा। मेरे बंधु, चाहे आप अंतरिक्ष तक संसार के पदार्थों को प्राप्त कर लें, लेकिन आपकी इस जीव रूपी मछली को तभी आनंद मिलेगा जब आप परमात्मा की भक्ति के सरोवर में डूबने का प्रयत्न। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें, जहां आपको अध्यात्म, ज्ञान, साहित्य, कला, शौर्य और सनातन धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।